नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। टाउन हॉल में मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को दिलाया याद, कहा वडोदरा के स्थान पर वाराणसी को इसलिए चुना क्योंकि मैं विश्व की इस प्राचीनतम नगरी के खोए हुए वैभव को बहाल करना चाहता हूँ। बता दें कि पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में 8 मार्च को अंतिम चरण में मतदान है। अखिलेश राहुल के रोड शो के दौरान वाराणसी में बिजली गुल, वहीं खुद पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 24 घंटे बिजली मौजूद रहने के दावे की रियलिटी रिपोर्ट आ गई है। खास बात ये थी कि इस मौके पर राहुल और अखिलेश के साथ डिंपल यादव भी मौजूद थे। कश्मीर के त्राल में आतंकी और आर्मी जवानों के बीच हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। इसमें एक पुलिस का जवान मंजूर अहमद शहीद हो गया, जबकि आर्मी के मेजर सहित 5 जवान जख्मी हुए। बता दें कि ये कार्रवाई बुरहान के साथ ही सबजार अहमद के छिपे होने पर की गई थी। अमेरिका में एक अज्ञात व्यक्ति ने 39 वर्षीय एक सिख को उसी के घर के बाहर गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें कि हमलावर गोली चलाते समय चिल्लाते हुए कथित तौर पर कह रहा था कि अपने देश वापस जाओ। मुंबई के मेयर के रूप में शिवसेना के उम्मीदवार की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि बीजेपी 8 मार्च को होने वाले मेयर पद के चुनाव में नहीं लड़ेगी। हैदराबाद के मोगलपुरा इलाके के एक ही परिवार की 2 बहुओं को उनके पतियों ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। बता दें कि उसने 2015 में महारीन से शादी की थी और कुछ वक्त तक पत्नी के साथ रहने के बाद वो न्यूयॉर्क चला गया था। वीप नेता प्रवीण तोंगड़िया ने एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा छेड़ा है। तोंगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की आस्था से जुड़ा सवाल है। इसका निर्माण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया जा सकता है। यूपी के संगम नगरी इलाहाबाद में भगवान हनुमान की आंखों से आंसू बहने की खबर फैल गई है, जिसके बाद मंदिर में बजरंग बली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। बलात्कार के आरोपी यूपी के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें कि गायत्री की तलाश में लगी पुलिस ने सभी हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया है ताकि सपा नेता देश छोड़कर बाहर नहीं भाग पाए। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में एग्जिट पोल कराने पर पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि कर्णप्रयाग सीट पर मतदान बाकी रहने के मद्देनजर 9 मार्च की शाम 5:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी। यूपी चुनाव के बीच मुस्लिमों की आबादी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अल्पसंख्यक की परिभाषा पर बहस की बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी है कि उन्हें अब अल्पसंख्यक से बाहर होना चाहिए। अल्पसंख्यक की परिभाषा पर एक बहस की जरूरत है। राजस्थान में मेवात क्षेत्र के अलवर, भरतपुर और हरियाणा से लगते हुए सैकड़ों गांवों में मेव समाज के बच्चों को जबरन टीका लगाकर नपुंसक बनाने की चर्चा से दहशत फैल गई है। मेवात शहर के सरकारी स्कूलों में नसबंदी इंजेक्शन लगाने की फैली अफवाह से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। बंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने भारत को पहली सफलता दिलाई। बता दें कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट में वार्नर को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ग्राउंड पर वार्नर को 8वीं बार आउट किया। पिता बनने के सपनों को वर्षों से जाहिर करने के बाद अब 44 वर्षीय निर्माता निर्देशक करण जौहर अब जुड़वा बच्चों के पिता बन गए हैं। बता दें कि करण जौहर ने पिता बनने के लिए सैरोगेसी का सहारा लिया। बता दें कि पिता बनने की जानकारी करण ने खुद ट्वीट करके दी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म फिलोरी का नया गाना रिलीज हो गया है। गाने के बोल है नौटी बिल्ली। इस गाने को अनुष्का शर्मा और पंजाबी एक्टर दिलजीत दोशांग पर फिल्माया गया है। बता दें कि इस गाने को दिलजीत, नक्श अजीज और शिल्पी पॉल ने आवाज दी है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।